हेलो दोस्तों, मैं सचिन आप लोगों का फिर से और दिल से स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि ये वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, खासकर मैं अपने यूएई दर्शकों के लिए कर रहा हूँ। और आज हम लोग देखने वाले हैं डोमेस्टिक सेल, और डोमेस्टिक सेल करेंगे और उसके बाद में फिर उसका इनवॉइस भी निकाल के मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि देखिए, टैली मैंने पहले से ओपन करके रखा है, और मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो मैंने F11 दबा के इसका जो भैट है उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया है, यहाँ पे एनेबल कर लिया है। और जो भी आपका भैट रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा वो पुट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन, जैसे मेलिंग डिटेल इन लोकल लैंग्वेज, इग्नोर मिसमैच। अगर ये नहीं दिखा रहा होगा आपके स्क्रीन में, तो आप F12 दबा के यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, सो एडिशनल डिटेल और सो मेलिंग डिटेल इन लोकल लैंग्वेज, इसको यस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक परचेस किया है, कुछ प्रोडक्ट मैंने पहले से प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट नेम बी नाम का दो प्रोडक्ट मैं खरीद के रखा हूँ, परचेस करके रखा हूँ। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट ए जो है वो कैसे मैंने क्रिएट किया है देख लीजिए। मैं आपको लेके चलता हूँ इन्वेंट्री इन्फो में, स्टॉक आइटम में, और फिर मैं अल्टर में लेके जाता हूँ। ये जो स्टॉक आइटम है देखिए सिंपल इस प्रकार से क्रिएट होगा, टैक्सेबल रेट जो रहेगा 5% ऑटोमेटिक आ जाएगा। और बी भी सेम सिमिलर फैशन में ही, बी का भी ऐसी तरह से मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग सेल करने वाले हैं, ठीक है। तो सेल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे सेल वाउचर में, F8 प्रेस करिएगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाके गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और उसके बाद F8 प्रेस करिएगा कीबोर्ड से, तो आपका सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। सेल वाउचर में सबसे पहला चीज पार्टी का नाम, मतलब जिस बंदे को हम सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ मिस्टर DR रख देता हूँ, मतलब हमारा डेप्टर्स। उसके बाद इसके लिए कौन सा ग्रुप हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग सैंडी डेप्टर सेलेक्ट करेंगे, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर इंटर मारते हुए जो भी पार्टी का डिटेल है यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा पूरा, ठीक है। बैंक का डिटेल फिलअप करना है तो ये भी फिलअप कर दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो फिर आप F12 दबाइएगा, और यहाँ पे बहुत सारा फीचर्स है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे फुल डिटेल के लिए यहाँ पे मैंने प्रोवाइड एड्रेस फॉर ए लेजर अकाउंट, इसको एक्टिवेट किया है। यूज एड्रेस फॉर रिवेन्यू अकाउंट, इसको यस किया है। प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, इसको यस किया है, ठीक है। बट ये सारा चीज़ ज़रूरी नहीं है, बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सेट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर लेजर, ये ऑप्शन अगर आप यस करते हैं तो इसमें तो नहीं बट परचेज में वो काम आएगा, ठीक है। इसका डिटेल सब मैं यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, और फिर इसका जो नंबर रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर वो फुल फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। देन इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग एक सेल का लेजर क्रिएट करेंगे जो कि सेल अकाउंट में जाएगा। हाँ, मैं इसका बात कर रहा था नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अगर ये नहीं दिखा रहा होगा आपका सेल, जब आप सेल लेजर क्रिएट कर रहे होंगे अगर नहीं दिखाता है, तो F12 दबाइएगा, और नीचे में यहाँ पे लिखा होगा सेट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर लेजर, इसको आप यस करिएगा तो ये दिखाएगा। बट यहाँ पे हम लोग इसको कुछ भी नहीं लेंगे, नॉट एप्रिसेबल ही रखेंगे। देखिए दोस्तों, इसका बारे में बता देता हूँ, अगर आप सेल का अलग अलग लेजर बनाना चाहते हैं, जैसे डोमेस्टिक सेल का लिए अलग बनाना चाहते हैं, और भी जो भी सेल होगा जैसे इंट्रा ट्रांजेक्शन जो होगा अदर कंट्री के साथ, गल्फ कंट्री के साथ, तो सबके लिए सेल का अलग लेजर बनाना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे क्या करिएगा, जो भी इसका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा वो आप ले लीजिएगा। बट आप अगर कॉमन लेजर यूज करना चाहते हैं सेल के लिए, तो इसको नॉट एप्रिसेबल रखिएगा, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप प्रोडक्ट ए, तो प्रोडक्ट ए हम यहाँ से लेते हैं, और कितना क्वांटिटी, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी जो है बेच रहा हूँ, और इसको मैंने खरीदा था 100 रुपये करके, तो बेचूंगा मैं इसको 200 रुपये करके। आपका जो भी प्राइस है आप उस हिसाब से बेचिएगा, मैं तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट ए ले रहा हूँ। उसके बाद देखिए, अब जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रहेगा वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और टेली ऑटोमेटिकली यहाँ डिटेक्ट कर ले रहा है कि ये डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई है। उसके बावजूद हम लोग यहाँ से दे सकते हैं कि ये डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है। इसमें हम लोग इंटर मारेंगे, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बी, उसको भी उसी प्रकार से हम ले लेते हैं, इसको भी मैं 10 पीस, और इसका रेट मैं 300 रखता हूँ। इंटर इंटर इंटर, और फिर यहाँ पे
नेचर में डोमेस्टिक टैक्सेबल सप्लाई इसको ले लेंगे हम लोग। और फिर भैट का जो लेजर रहेगा, भैट का लेजर कैसे मैंने क्रिएट किया वो मैं दिखा देता हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग उसका अल्टरेशन स्क्रीन खुल जाता है। देखिए यहाँ पे भैट ड्यूटीज एंड टैक्सेस में बनाना है आपको, यहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में भैट को लेना है, और फिर इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका भैट का जो लेजर रहेगा वो बन जाएगा। और देखिए टैक्स कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। और हम लोग टैक्स एनालिसिस में जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है वो भी आपको दिखा देगा। यहाँ पे किस प्रकार से 5-5% दोनों प्रोडक्ट में हमारा कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद अब मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और फिर पेज अप बटन दबा के मैं वापस उसी वाउचर में जाता हूँ, सेल वाउचर में। और कीबोर्ड से अगर आप अल्ट और पी बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इसका प्रिंट आउट जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं देखिए इंटर मारूंगा तो यहाँ पे आपका प्रीव्यू स्क्रीन में जो वाउचर है, सॉरी जो इनवॉयस है, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको शो होगा। और इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आपको चाहिए या आपके स्क्रीन में नहीं आ रहा होगा तो अल्ट पी जब आप प्रेस करते हैं उसी वक्त आप फिर F12 बटन दबाएंगे तो यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और एक बार अगर मोर ऑप्शन चाहिए तो देखिए नीचे में लिखा होगा प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शन, अगर F12 दबाएंगे तो और ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप पेज का साइज वगैरह भी ले सकते हैं। फिर और भी कुछ फीचर्स को एक्टिवेट करना है या फिर आपके स्क्रीन में एक्टिवेट नहीं हुआ है तो यहाँ से आप यस नो करके उस चीज़ को आप ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये था आज का क्लास। और अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।